सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरे पास ना सुजलोन के 1570 शेयर हैं 8 रुपये 82 पैसे के हिसाब से। तो इसमें जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या करें, अभी होल्ड करें या निकल जाएं? 8 रुपये 80 पैसे। प्रदीप, पहले तो ऐसा है कि जो 10 रुपये से कम वाले जो शेयर होते हैं, जो पेनी स्टॉक्स हाँ की जी कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको लेकर हाँ थोड़ा जी सा ना हम सावधान रहने की भी सलाह देते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ सूझता नहीं कि करें क्या, ऐसे दर्शकों के लिए हम जरूर सलाह लेंगे। खैर, आपको बता दें कि आज से सुजलॉन के जो नए शेयर अलॉट हुए थे, वो आज से ट्रेड होने लग गए हैं। इस पर आपका क्या व्यू होगा नितलेश, सुजलॉन को लेकर? 8 रुपये 82 पैसे खरीदे, 8 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा शेयर, आज हल्की सी कमजोरी है, थोड़े से मैनेजमेंट में बदलाव किए हैं कंपनी ने, जेपी चालसानी को सीईओ बनाया गया है, तो कोशिश कंपनी कर रही है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर क्या आपको बेहतर होते दिख रहे हैं? स्ट्रक्चर वाइज तो स्टॉक में अभी भी कुछ मजबूती नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये 8 रुपए का भाव चल रहा है और जो रिसेंट इसने लो लगाया है जनवरी 2023 के आसपास का, तो वो एक स्टॉप लॉस की तरह आप ले सकते हो। लेकिन ऐसे काउंटर से थोड़ा सा आप दूरी बनाए रखोगे तो ये आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छे काउंटर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए 7 रुपए का एक स्टेटली स्टॉप लॉस रखे। ऑल राइट है, ठीक है। तो चलिए सुजलॉन पर आपको ये रहा, स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करिए फिलहाल, लेकिन सावधानी बरतिए। अगर पेनी स्टॉक्स में आपके निवेश हैं तो उसको लेकर थोड़ा सावधानी भी बरतिए और बीच बीच में स्टॉक को रिव्यू करते रहिए।